सो गाइस, अगर आपने अभी जानना है कि वीडियो को ब्लर कैसे किया जाता है, वो भी फोन के कैमरे के साथ वीडियो का ब्लर कैसे किया जाता है, वीडियो का ब्लर, फोटो का कैमरे का ब्लर नहीं, वीडियो का ब्लर, वीडियो बनाते समय हम वीडियो का ब्लर बैकग्राउंड कैसे कर सकते हैं, वो भी फोन से, DSLR से नहीं, वो भी फोन से, तो बस आपने इस वीडियो में कमेंट करना है, तो वो वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आपने कमेंट करना, लाइक करना इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आप YouTube क्रिएटर हो, अगर आपका YouTube चैनल है, तो YTO स्टूडियो एंड स्टूडियो बेटा का अपडेट आ चुका है, न्यू अपडेट आ चुका है। तो ये वीडियो देखनी आपने फुल, तो क्या क्या अपडेट आया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि YTO स्टूडियो का क्या अपडेट है। तो ये अपडेट आए को 5 दिन हो चुका है, तो मैं वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाने जा रहा हूँ अभी, तो सॉरी इसके लिए। तो ये अपडेट क्या है, तो इस वीडियो को देखना फुल। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, जाकर इंस्टाग्राम में तो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया, तो वहां पर जाकर मुझे जरूर फॉलो कर लें, और पीछा करें मेरा जाकर, तो आपको पता होगा कि YTO स्टूडियो क्या है, सभी यूट्यूबर को पता होगा कि YTO स्टूडियो क्या है। तो इस वीडियो को ज्यादा ना लंबी करते हुए, ज्यादा ना बकवास करते हुए, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि YTO स्टूडियो में क्या क्या बदलाव हुआ है अपडेट आने के बाद। आपने जाना है YTO स्टूडियो में, तो प्ले स्टोर से आपने अपडेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि पहले ये ऑप्शन है, पहले और जैसे थे, अब और जैसे हो चुके हैं अपडेट आने के बाद, वैसे ही हुए हैं जैसे आपका स्टूडियो बीटा है, जैसे चैनल पर आप विजिट होते हो तो स्टूडियो बीटा में, वैसे इसमें अपडेट आ चुका है। पहले ये फीचर नहीं होते थे इसमें। तो आप नीचे देख सकते हो, एनालिटिक्स, कमेंट्स, प्लेलिस्ट, वीडियोस, डैशबोर्ड, ये सेम फीचर आपको अपने आपके चैनल में स्टूडियो बीटा में मिलेंगे, और सेम ही आपको ये एप्लीकेशन में मिलेंगे YTO स्टूडियो में। तो आप जैसे एनालिटिक्स पर क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि हमारा वॉच टाइम कितना हो चुका है। आप नीचे देख सकते हो टॉप वीडियोस, वो वॉच टाइम मीन्स कितना इसका वॉच टाइम हो चुका है। तो आप जब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 28 डे में कितना इसका वॉच टाइम अगेन कर लिया है, तो वॉच टाइम। और यहाँ पर आप सब्सक्राइबर और यह रियल व्यूज़ आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, ये तो चलो पहले भी था, जैसे ही इस पर न्यू ये फीचर आ गया, आ चुका है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर, ये ऑप्शन नहीं था, प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो और वीडियोस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे अपडेट खास ये है कि जैसे आप किसी पर क्लिक करोगे, तो जैसे अमित, मैं ये वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो कि आपको ग्रीन पट्टी ऊपर की ओर तरफ जा रही है कि 236, 331, 832, ये पहले ऑप्शन नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था ग्रीन पट्टी वाला। तो ये अपडेट आ चुका है कि आपकी जो सी वीडियो रैंक के ऊपर जा रही है या डाउन, आपकी वीडियो रैंक गिर चुका है उसका, तो ये आपको बता देगा। तो बहुत ही अच्छे ये अपडेट आ चुके हैं। तो और कमेंट, आप कमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी कमेंट जो जितने भी हैं तो आपको दिखा दें जाएंगे। तो और वीडियोस और कमेंट्स, प्लेलिस्ट, डैशबोर्ड, तो जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कैसे कैसे फीचर आ चुके हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ, तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ स्टूडियो बीटा में चैनल पर। तो स्टूडियो बीटा में आप देख सकते हो कि जैसे आप एनालिटिक्स पर जाते हो तो आप देख सकते हो कि व्यू पर ग्रीन पट्टी आ रही है, ग्रीन पट्टी, तो इसका मतलब है कि आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, रैंकिंग पर है आपकी वीडियो, और वो उस टाइम भी और सब्सक्राइबर भी। और ये पहले ग्रीन पट्टी नहीं थी, वहाँ पर भी आ चुके हैं YTO स्टूडियो में भी, और यहाँ पर स्टूडियो बीटा चैनल पर भी आ चुके हैं। आपके चैनल विजिटर होते हो क्रोम पर तो ये आपको मिल सकता है, आपको ग्रीन पट्टी वाला ऑप्शन, न्यू फीचर। और इसके साथ आपको मैं ये बता दूं, इसमें और फीचर आया हुआ जोन सा बहुत पुराना हो चुका है, तो शायद आपको अब पता होगा कि मोनेटाइजेशन और वॉच टाइम, घंटे और सब्सक्राइब देखने के लिए हमें जाना पड़ता था क्लासेस स्टूडियो में, अब वो रिमूव कर दिया गया, हमें सिर्फ दे दिया गया स्टूडियो बीटा। हम फीचर दे दिया गया मोनेटाइजेशन पर, हम देखने के लिए क्लिक करेंगे स्टूडियो बीटा, स्टूडियो बीटा में आप देखोगे एस डॉलर का निशान आ रहा है, वहां पर क्लिक करोगे तो आपका यहां पर मोनेटाइजिंग के लिए, वेरीफाइड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, बस आपको सब्सक्राइबर और आपका वो पब्लिक वॉच घंटे आपका ऑप्शन मिलेगा कि आपके इतने वॉच टाइम हो चुका है, घंटे हो चुके हैं, और सब्सक्राइबर इतने हो चुके हैं। तो जैसे ये 4000 घंटे वॉच पूरा हो जाता है मेरे चैनल पर,
तो सब्सक्राइब तो पूरे हो चुके हैं। जैसे ये 4-4 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाता है, यहाँ पर वेरीफाइड का फिर ऑप्शन आएगा वहाँ यहाँ पर, तो वहाँ पर तो क्लास में पहले ही था, तो यहाँ पर बाद में आएगा, हमें डायरेक्ट हमें मेल कर दिया जाएगा कि आपका 4-4 वॉच टाइम घंटे आपका पूरा हो चुका है, तो वेरीफाइड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।